Assalamu alaikum. My name is Muhammad Anas and I welcome you all on behalf of Study River in this review video for the Preci paper for CSS 2023. Mere saath Sir Ghulam Hussain hain jo ke PMS 10 se hain and he is currently the assistant commissioner in government of Punjab. To unse aaj hum poochte hain ki Preci pe unka kya analysis hai. और वो यहाँ पे स्टडी रिवर में प्रेसी पढ़ाते भी हैं तो ही हैज़ एक्सपीरियंस एज लेक्चर इंग्लिश एज वेल सो ही विल गाइड अस इन दिस रिकार्ड. तो सर सबसे पहले तो सर मैं इसका डिटेल में हम डिसेक्शन करते हैं तो सर सबसे पहले तो बताएं ना कि जो प्रेसी आई है इस पे क्या आपके रिमार्क्स हैं. जी ओवरऑल तो प्रेसी का पेपर देखा जाए जैसे सुबह के पेपर में FPSC ने छक्के छुड़ा दिए जी तो सेकंड पेपर में बच्चे काफ़ी रिलीव फील किया उन्होंने. ओवरऑल पेपर आसान है जहाँ तक प्रेसी का ताल्लुक है क्योंकि ये हम ये डॉगमास सुनते हैं शुरू से कि जो जिसकी प्रेसी फेल है उसका पूरा कंपोजिशन का पेपर फेल है जी. तो शुरू में हम बच्चों को कहते हैं कि यार मुख्तलिफ किताबें पढ़ा करो और किताबों के कुछ पैराग्राफ्स जो हैं जैसे अभी हमने स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से एक वर्क बुक डेवलप की है और उस वर्क बुक में मैंने डिफरेंट राइटर्स की बुक से पैराग्राफ उठाए हैं जी. बर्ट्रैंड रसल की बुक से उठाए हैं अनपॉपुलर एसेज से और इन प्रेज ऑफ आइडलनेस से और इनसे. अच्छा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम अल्लामा इकबाल की वहाँ से दो पैराग्राफ उठाए हैं. अच्छा ऑडेसिटी ऑफ होप बराक हुसैन ओबामा की किताब है वहाँ से उठाए हैं. तो मुख्तलिफ किताबों से दो दो पैराग्राफ उठा के मैंने एक वर्क बुक बनाई है कि इसको प्रैक्टिस करें जी. उसमें ये होता है कि एक जो थीम होता है एक जो आइडिया होता है उसके ऊपर बच्चा अपनी कमांड कर लेता है और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज भी बन जाता है फिर उसको. अब ये जो पैराग्राफ है प्रेसी का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें टाइटल भी देना है और 5 नंबर का दायरे टाइटल होता है 15 नंबर की जो है वो प्रेसी होती है. तो ये पैराग्राफ बेसिकली बर्ट एंड रसल के एसे से है एजुकेशन एंड डिसिप्लिन से. ठीक है एजुकेशन एंड डिसिप्लिन से है और इसमें फ्रीडम इन एजुकेशन के ऊपर बात की गई है और बड़ा ये एक कम्पैक्ट सा पैराग्राफ है और इजी टू अंडरस्टैंड है. इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो मुश्किल हो जिसका मीनिंग बच्चों को ना आता हो और इसको ना किया जा सके. ठीक है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लफ्ज़ उसने बार बार इस्तेमाल किया वो स्पॉन्टेनियस वर्ड है जो कि एक आम सा लफ्ज़ है. ये डूएबल है इसको किया जा सकता है और ऑर्गेनाइज अंदाज में इसको. और मज़े की बात यह है कि पैराग्राफ बहुत छोटा है जी जो कि जल्दी और शॉर्ट टाइम में किया जा सकता है. सर इसमें अब प्रेसी के हवाले से थोड़ा सा एक ये इस पर भी कमेंट करें कि 2020 तक हम देखते हैं तो उसमें आम तौर पे ये बर्नन रसल के फ्रांसिस पे कौन की हैसियत में से ही पैराग्राफ्स ले रहे थे. 20 में उनने वो मंटो साहब का आ गया. 21 में थोड़ा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे चला गया. 22 में भी कुछ इस तरह का था लेकिन दोबारा से ये क्या ये अब इसको शिफ्ट इन ट्रेंड समझें या हमारी प्रैक्टिस जेनेरिक होनी चाहिए. आपकी प्रैक्टिस जेनेरिक होनी चाहिए. स्टूडेंट की जो अप्रोच है वो ओवरऑल होनी चाहिए वो किसी खास सेक्शन को तैयार ना करे. ठीक अब आप ये कहें कि अगर ये ट्रेंड 2 साल चलेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो पैराग्राफ कहाँ से लेता है. ठीक है सर अब इसके बिल्कुल टोटली जो आमतौर पर वैसे दोनों रीजनेबल बराबर बराबर लेंथ के होते थे कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज और प्रेसी का. प्रेसी वाला छोटा और वही कॉम्प्रीहेंशन वाला जो है वो काफ़ी लेंथी पैसेज है और वो उसमें बल्कि वो लग रहा है कि शायद प्रेसी वो प्रेसी वाला पैसेज लग रहा है अब देखने में ना. बेसिकली मतलब ये जो पैराग्राफ है बेसिकली पॉवर्टी डेवलपमेंट और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है ड्यूरिंग द डिफरेंट इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस उस पर बात की गई है और इसके क्वेश्चंस भी हाउ व्हाट पे बेस कर रहे हैं कि कैसे और व्हाट मतलब क्या. How important is happiness to most people? जी ठीक है. And what is the relationship between material wealth and happiness? जी ठीक है. अब happiness और material wealth के ऊपर बात की गई है मतलब आपके resources जो economic resources हैं. How does the author characterizes the concept of voluntary simplicity? Voluntary simplicity as a movement मतलब वो लोग जो अमीर होते हुए simplicity show करते हैं. जी ठीक है जैसे कि बिल गेट्स साहब जी और जो आपके फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं जी. एंड इज अ फिलोसफी एज अ फिलोसफी मतलब फिलोसफी और एज अ मूवमेंट आप इसको कैसे लेते हैं. ऑथर ने इस पैराग्राफ में उसको कैसे कैटेगराइज किया है. द इम्पैक्ट इज फेयर्ड बाय द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी जो इसका इम्पैक्ट है कैपिटलिज्म की बात बेसिकली उसने की कंजम्पशन जो कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म कंजम्पशन और कंज्यूमरिज्म.
अच्छा, व्हाट इन्फ्लुएंस मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन पैटर्न्स, ठीक है, ये भी व्हाट का है. व्हाट आर द चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द वॉलंटरी सिंप्लिसिटी. अब ये ओपिनियनेटेड सवाल है, ये इस पैराग्राफ में नहीं है. अच्छा, जब जब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब कॉम्प्रीहेंशन जो है, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, इफ़ यू आर अ गुड रीडर इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट जॉब. जी, इफ़ यू आर अ गुड रीडर. और बेसिकली बैकग्राउंड नॉलेज भी, अभी मैंने आपको बिल गेट्स की सिंप्लिसिटी का बताया, उनकी ड्रेस और शूज जो है वो बहुत सादा पहनते हैं, मार्क जुकरबर्ग के बताया, तो अगर आप जानते हैं तो आप इसमें उसको उनको एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं. अब दूसरी बात यह है कि जो मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी इसमें भी क्रिएटिविटी होती है, मतलब इसमें क्रिएटिविटी इस हद तक आती है कि आपका जो एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज एक्सप्रेशन है, वो इसमें इम्पैक्ट करता है और प्रोमिनेंट हो जाता है कि आप खुद से अगर किसी चीज़ को आंसर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करते हैं. कॉम्प्रीहेंशन इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, आई मस्ट से इट्स ऑल अबाउट रीडिंग. जितनी ज़्यादा आप रीडिंग, जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग है, आप पैराग्राफ को उतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और उसके जवाब देते हैं. सर, इसके बाद मैं ये जो करेक्शन वगैरह इनको छोड़ के मैं आता हूँ लास्ट वाले क्वेश्चन पे, जो आमतौर पे हम तैयारी के दौरान भी हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर भी यही होता है, प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन एंड देन ट्रांसलेशन. तो सर, ट्रांसलेशन का भी पैसेज तो छोटा है, लेकिन अब उसका डिफिकल्टी पे भी बताएं कि 10 नंबर का सवाल है जी, और इतना आसान पैराग्राफ मैंने कभी नहीं देखा. ये मैट्रिक लेवल का पैराग्राफ है जी, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और सारे अल्फाज आम से और सादा से अल्फाज हैं. इसमें कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जिसका ट्रांसलेशन बच्चों को ना आता हो. बहुत बेहतरीन, मतलब इसमें ईजिली, मतलब इसमें अगर सेंटेंसेस देखें तो ऑलमोस्ट 10 सेंटेंसेज होते हैं, और एडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फिगरेटिव एक्सप्रेशन जो है ना वो आपने इस्तेमाल करना होता है. तो 10 सेंटेंसेज में आपके 8 नंबर तो आने चाहिए जी, 8 तक तो मार्जिन आप रखें अगर आप इसको करेक्ट. और सर, इसके बाद आप मुझे बताइएगा करेक्शन पे जी, करेक्शन का जो क्वेश्चन है सर, सर वो क्या उस पे, मतलब करेक्शन में जो पहले दो है ये उसमें उन्होंने दिए है जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और जो तीसरा है वो रिप्लेसमेंट ऑफ द एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है और उसके बाद जो फोर्थ है उसमें भी इसी तरह है कि आपको और नॉट जो है वो एंड पे लगाना है. और 5 में जो है व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड मी, ये प्रोनाउन का जो केस होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस. इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज दे शैल बी पनिश्ड, अब इसमें भी प्रोनाउन की मिस्टेक है जी. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन को उसने यहाँ पे हिट किया है, थर्ड पर्सन उसने यूज कर दिया जबकि यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज होना चाहिए था. ही केम टू मी टू इंक्वायर, अब यहाँ पे आगे उसने सेंटेंस दे दिया है व्हाट इज, इंक्वायर के बाद आप अबाउट लगा दें या आगे इंक्वायर टू, यहाँ पे अबाउट इस्तेमाल होगा. आई एम टू टायर्ड दैट आई डू नॉट हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माय इंग्लिश बुक, तो यहाँ पे भी टू की मिस्टेक है. और करेक्शन जो है कंपैरेटिवली बहुत आसान है, अगर आपने हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर पढ़ी हुई है जी, और आपने टू द पॉइंट इंग्लिश, जो कि मैं अपने लेक्चर में बार बार कहता हूँ कि भाई इन दो किताबों को पढ़ लो जी, उसके बाद कोई अगली किताब पढ़ना. हाँ जी, बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर इन दो किताबों के अलावा बताएं. मैं कहता हूँ ये दो पढ़ ली हैं, कहते नहीं ये तो ली हुई है, पढ़ी नहीं है अभी. सर उसका थोड़ा ना प्रॉब्लम ये है ना कि हमें कहा जाता है कि आमतौर पे आपने कॉमन सोर्सेज इस्तेमाल, कॉमन सोर्सेज, तो अब ये तो बात रूल्स की है ना, रूल्स तो हर किताब में एक जैसे हैं, तो वो समझते जैसे पाकिस्तान अफेयर्स की ये किताब सारे पढ़े हैं तो हमने नहीं पढ़नी, तो इसी तरह रेन एंड मार्टिन वाले रूल्स डिफरेंट होंगे और लैंग्वेज के रूल सेम होते हैं और अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होते हैं. उसके बाद सर पेयर ऑफ वर्ड्स, सर पेयर ऑफ वर्ड्स तो मुझे, पेयर ऑफ वर्ड्स उसने नहीं दिए 10 नंबर के, उसने सॉरी यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स इडियम्स नहीं दिए उसने, इडियम्स नहीं दिए, और ये सारे होमोफोन्स हैं जी. और ये होमोफोन्स जो है ना, ज्यादातर मैं देखता हूँ कि एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में होमोफोन ज्यादा है जी, ठीक है. तो इसमें अगर आपने पास्ट पेपर भी अगर रिवाइज किए हुए थे तो ये उसमें हो जाता है. अब देख ले, अगर आपको 5 नंबर देखें,
टू नंबर देखें, फोर फोर देखें, सिक्स देखें और सेवन देखें, तो पांच इसमें हो जाते हैं। एट भी सर, ये और ये पास पेपर्स में से ही है। बिल्कुल ऐसे पास पेपर में से। अच्छा, उसके बाद प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस के पांच नंबर पेट के पेट हैं, बिल्कुल सादा आसान, जिसकी मतलब जो रेगुलर रीडर है, अच्छा पढ़ता है, इवन उसने कोर्स की किताबें भी पढ़ी हुई हैं, उसका ये हो जाएगा। और पंक्चुएशन की जहाँ पर बात आते हैं, उसमें भी सेम उसी तरह है कि उसमें कैपिटलाइजेशन है, कॉमाज हैं, फुल नरेशन का एक दो जगह बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये पेपर कंपैरेटिवली मैं समझता हूँ कि इसमें अगर एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन खूबसूरत बनाई है, एलिजिबल लिखा है जी, और इस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद उसको प्रूफ रीड किया है जी, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चा जो है वो 60-70 नंबर से कम। सर मुझे तो, मैं जो आपकी बातों से, मुझे ये लग रहा है कि ये प्रेसी का पेपर पास या फेल वाला नहीं था। नहीं नहीं, ये 60-70 की गेम वाला पेपर गेम वाला है बिल्कुल आपकी, और ये गेम चेंज भी कर सकता ये है, गेम चेंज भी कर सकता है। यानी कि अगर अब ऐसे का पेपर भी जो कि डुएबल था, तो वी कैन एक्सपेक्ट के समथिंग मोर ट्रिकियर इज कमिंग इन इस्लामिक स्टडीज और वो पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स वाले बैच में या ऑप्शनल्स में इवन आ सकती है। तो दिस वाज रिव्यू, हमने डिटेल में सारी तफसीलन बात की प्रेसी के बारे में। तो दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।